दोस्तों आइए जानते हैं खुजली से निजात पाने के घरेलू नुस्खे। इन्फेक्शन, एलर्जी, किसी कीड़े के काटने से, त्वचा के शुष्क होने से, धूप में ज्यादा देर तक रहने के कारण शरीर में खुजली की समस्या हो जाती है। खुजली से निजात के लिए बाजार में कई तरह की क्रीम मौजूद हैं, लेकिन इनका फायदा केवल इस्तेमाल करने भर तक होता है, उसके बाद स्थिति फिर से वैसी हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ घरेलू उपाय जिससे आप आसानी से खुजली से निजात पा सकते हैं। नेचुरल नुस्खे। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 कुदरती नुस्खे के चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है नारियल का तेल, क्योंकि ज्यादातर त्वचा के शुष्क होने के कारण या फिर कीड़े के काटने से खुजली हो जाती है। नारियल का तेल बेहद फायदेमंद है। नारियल के तेल को खुजली वाले स्थान पर लगाकर हल्के हाथ से मालिश कर दें। इतना ही नहीं, नारियल का तेल अगर आप पूरे शरीर पर भी लगा दें तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज है दोस्तों पेट्रोलियम जेली। अगर त्वचा ज्यादा सेंसिटिव है तो खुजली से निजात के लिए पेट्रोलियम जेली बेहद अच्छा उपाय है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता और त्वचा पर ये बेहद प्रभावी होती है। इसके इस्तेमाल से ना केवल खुजली बल्कि त्वचा की अन्य समस्याएं भी हल हो जाती हैं। तीसरा उपाय है नींबू। नींबू में विटामिन सी उच्च मात्रा में होता है। खुजली से निजात देने के लिए नींबू एक अच्छा उपाय है। नींबू का लेकिन ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी स्किन के हिसाब से आपको सही परिणाम ना दे पाए। इसके बाद है दोस्तों तुलसी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, तुलसी में थायमोल, यूजिनॉल और कैम्फर उच्च मात्रा में होते हैं। जलन से राहत दिलाते हैं और खुजली को दूर भगाते हैं। तो दोस्तों तुलसी की पत्तियों को अच्छे से धोकर प्रभावित स्थान पर उनका रस लगाने से खुजली और जलन से राहत मिलती है। इसके बाद है दोस्तों एलोवेरा जेल। एलोवेरा मॉइस्चराइजर से भरपूर होता है, जिससे रूखी त्वचा होने वाली खुजली से ये आपको छुटकारा दिलाता है। इसके लिए आपको एलोवेरा जेल प्रभावित स्थान पर लगाने से खुजली की समस्या खत्म हो जाती है। और अंत में है नीम। नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उबालें। इसके बाद इस पानी को गुनगुना रहने पर ही नहा सकते हैं। नीम में प्राकृतिक तौर पर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो खुजली को दूर करते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की अशुद्धि है तो आप सुबह सुबह नीम के छोटे कच्चे पत्ते चबा सकते हैं। इससे आपके खून को साफ करने में मदद मिलेगी और अगर आपको इसकी वजह से खुजली हो रही है तो ये भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इन घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी खुजली नहीं जा रही है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे प्रॉपर इसका इलाज करवाएं। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए नेचुरल नुस्खे के साथ।